देखिए दोस्तों को, अच्छे लोगों को जो खुद खिलाफ है इस चीज के, और ऑनेस्टली खिलाफ है भाई, हम आपको बताने के लिए कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सच्चाई है हमारे क्रिएटर के सामने। हम ऑनेस्टली जो बिलीव करते हैं वो हमें बोलना है, यही हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो हम ये देखते हैं कि जब हम खुद खिलाफ है, आप भी खिलाफ है, व्हाई आर वी फाइटिंग अमंग आवरसेल्व्स, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पहाड़ क्यों पैदा किया जा रहा है? व्हाई नॉट ज्वाइन टुगेदर, मिलें, अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करें, मिलके इस चीज को एटलीस्ट इंडिया के हद तक हम खत्म करें। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखी जाएगी तो फायदा किसका होने वाला है? किसका होने वाला है फायदा? आइसिस का होने वाला है। जब लोग जो उसके खिलाफ है आपस में एनर्जीज वेस्ट करेंगे तो फायदा होने वाला है मिसअंडरस्टैंडिंग प्रमोट करने वाले लोगों का। सही बात तो ये, लेट्स ज्वाइन टुगेदर, लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम फॉर वंस, एटलीस्ट फॉर माय कंट्री, और दुनिया में हो जाए फार बेटर। तो लेट्स कम टुगेदर एंड सॉल्व दिस थिंग। और मैं सिर्फ एक अपील कर सकता हूं, फाइनली सही पॉजिटिव एक्शन आना बहुत जरूरी है फ्रॉम ऑल लेवल्स। पॉलिटिकल लेवल हम देखते हैं कि फ्रॉम द पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट्स, फ्रॉम द मीडिया, सबके सब मिलकर लेट अस गेट टुगेदर एंड सॉल्व दिस इशू फॉर वंस। एंड आई होप दैट दिस विल गो अवे, एंड लेट अस नॉट ट्राई टू प्रमोट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। द प्रॉब्लम इज नॉट, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम सब इंसान है, सबका मालिक एक है। लेट अस कनेक्ट विथ ईच अदर एंड लेट अस सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स रादर देन थिंकिंग ईच अदर टू बी प्रॉब्लम्स। हम समझे आप लोग प्रॉब्लम, आप समझे हम प्रॉब्लम है, ये नहीं सोल्यूशन है। जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम समझेंगे। थैंक यू सो मच। बारकुल्लाह फिक, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह।